नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। खबर प्रयागराज, दिनांक 29/9/2022 को थाना नैनी क्षेत्र अंतर्गत मूर्छित अवस्था में प्राप्त युवती जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई की प्रकरण में की जा रही पुलिस कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक यमुना पार द्वारा 29 सितंबर को एक वाहन दुर्घटना हो गई थी जिसके संबंध में दिनांक 3 अक्टूबर को जो बच्ची थी जो कि मूर्छित अवस्था में थाना नैनी क्षेत्र में मिली थी, उनके परिजनों द्वारा अवगत कराया गया था कि इस बच्ची के कान के बाली छीनने का प्रयास करते हुए उसे टेम्पो से ढकेल दिया गया था और बच्ची मूर्छित अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती है। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो टेम्पो चालक था उसे CCTV फुटेज के माध्यम से पहचान करते हुए 6 अक्टूबर को ही उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में घर वालों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि बच्ची के साथ छीना झपटी का प्रयास किया गया है। इसके तत्समय कोई विधिवत साक्ष्य पुलिस के पास नहीं आ पाए थे। जो न्यायिक अभिरक्षा में जिस व्यक्ति को भेजा गया था उसके द्वारा बताया गया था कि बच्ची जो है वो उतरने का प्रयास कर रही थी और उसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस की टीम तथा डॉक्टरों की टीम ये प्रयास कर रही थी कि बच्ची होश में आ जाए तथा वो अपने साथ हुई घटना का वर्णन भली भांति कर सके। दुर्भाग्य से उस बच्ची को होश नहीं आया तथा कल उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। इस पूरे प्रकरण में सूचना मिलते ही अभियोग पंजीकृत करके जो दोषी व्यक्ति थे उन्हें जेल भेजा जा चुका है। जो एक अन्य अज्ञात व्यक्ति सवार थे उस समय टेम्पो पर, उनकी तलाश की जा रही है और उनसे भी सघन पूछताछ की जाएगी और जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।